गाइस इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूज़र से कैरेक्टर टाइप डाटा कैसे इनपुट करा सकते हैं और कैसे उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। तो गाइस सिंपल, आपको भी पता है कि हमको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। तो अब मैं आप लोगों को हेडर फाइल से नहीं बताया करूँगा, मैं डायरेक्ट आपको मेन के जो ब्रैकेट्स होते हैं मैं आपको वहाँ से बताया करूँगा। गाइस ये ले लिया मैंने मेन का ब्रैकेट अपना, ठीक है। अब सिंपल मैं यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करूँगा। मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर डिफाइन किया char, कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए char, और char के बाद गाइस मैंने कर दिया यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है। वेरिएबल का नाम मैं लूँगा डेमो, ये मैंने लिखा गाइस डेमो। तो अब जो मेरी वैल्यू जाएगी वो जाएगी मेरी कैरेक्टर डेमो में। अब गाइस मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँगा प्रिंट एफ में गाइस मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर एन अल्फाबेट। सिंपल गाइस, या डबल कॉलन लगा दूंगा, इसको मैं कर दूंगा बंद। अब गाइस कैरेक्टर टाइप डेटा कैसे हम यूज़र से ले सकते हैं उसको प्रिंट कराने के लिए, अगली लाइन में मैं लिखूंगा गाइस स्कैन एफ। अगेन गाइस डबल कोट्स के अंदर डाटा टाइप का जो फॉर्मेटिव स्पेसिफायर है वो जो है हमारा %C4 कैरेक्टर कॉमा एंड डेमो, ये ले लिया गाइस मैंने, कर दिया इसको बंद। अब प्रिंट कराने गाइस वही पुराने वाली वीडियो वाला फॉर्मूला है, प्रिंट एफ ये डबल कोट्स जो भी अपना डाटा लिखना है, एंटर्ड अल्फाबेट, एंटर्ड अल्फाबेट इक्वल टू %C कर देंगे गाइज हम यहाँ पर, क्योंकि डाटा टाइप हमारा कैरेक्टर है कॉमा डेमो, ये गाइज कर दिया बंद। ये हो गया हमारा प्रिंट एफ, बिल्कुल सही गाइज। इतना सा प्रोग्राम है, पहले गाइज हमको वेरिएबल डिफाइन करना होता है, जो भी आपको लाइन देनी है प्रिंट एफ में आपको वो देनी पड़ती है, स्कैन एफ में आपको डाटा लेना पड़ता है यूज़र से, फिर उस डाटा को प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट करा दी, ये कर दिया बंद और गाइस ये प्रोग्राम आप पढ़ सकते हैं। अब आप ये मत कहना कि हेडर फाइल क्यों इंक्लूड नहीं करी, गाइस ये अंडरस्टूड बात है, आपको मेन और ये हेडर फाइल बिल्कुल यूज़ करनी पड़ेगी। ये पाइथन नहीं कि आप डायरेक्ट प्रिंट से स्टार्ट कर देंगे, ये सी है तो आपको फॉर्मेट में चलना पड़ेगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं, आ गया है प्रैक्टिकल करने का। तो देखिए इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कैसे हम कैरेक्टर वैल्यू यूज़र से ले सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो गाइस बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डाटा टाइप जो है हमारा कैर, और मैं सिंपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी, और मैंने कर दिया इसको गाइस बंद। अब गाइस मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँगा प्रिंट एफ एंटर एन अल्फ़ाबेट, सिंपल गाइस मैंने यहाँ पर लिख दिया एंटर एन अल्फ़ाबेट और इसको मैंने कर दिया बंद। अब गाइस सिंपल मैं यहाँ पर स्कैन एफ लिखूँगा, स्कैन एफ लिखने के बाद मैं डबल कोट्स लगाऊंगा, और डबल कोट्स लगाने के बाद मैं इनके अंदर उनका डाटा टाइप मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दूंगा, जो है मेरा %C4 कैरेक्टर और कॉमा एंड जो भी मेरा वेरिएबल का नाम है वो, ये मैंने ले लिया। मैं इसको गाइस प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एफ फिर से फॉर्मेट स्पेसिफायर %C, C, ये कर दिया गाइस, मैंने अपना प्रोग्राम बना दिया है। कितना सिंपल है गाइस, एक मिनट में प्रोग्राम बनाया, इसको मैं कंपाइल एंड रन करूँगा। देखिए गाइस सिंपल मैंने इसको रन कर दिया है, इसको बड़ा करते हैं, एंटर एन अल्फाबेट ए डाल दिया गाइस मैंने ए। अब गाइस सिंपल मैं इसको एक बार फिर से रन करूँगा, इस बार मैं एक की जगह गाइस दो अल्फ़ाबेट डालूँगा, आई विल टाइप हेयर ए जेड, आई एम टाइपिंग हेयर वी जेड, तो इट विल टेक ओनली द फर्स्ट वन विच इज़ वी। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, hope you guys understand the concept how to take character from user and how to print it. See you in the next video, till then bye bye, take care.